हेलो गाइज, आज हम लोग देखेंगे एक स्टूडेंट कैसे कैसे पैसा कमा सकता है। आप लर्न भी कर रहे हैं और कुछ कुछ आपको पॉकेट मनी के लिए या फिर अदर चीज़ के लिए पैसा निकालना है, तो आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। आज हम 10 तरीका बताएंगे किसी स्टूडेंट के जो कि स्टडी भी कर रहा है और जो है पैसा भी कमाना चाह रहा है थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के लिए, या फिर अगर उसको नीड है तो उसके लिए भी। पहला तो बेस्ट मेथड यूट्यूब। यूट्यूब से आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल बनाइए, बहुत इजीली चैनल पर आप सर्च कीजिएगा और यूट्यूब पर के हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब पर कैसे अर्निंग करते हैं। ठीक, आप वीडियो डालिएगा बना बना कर, तो उससे अर्न होगा आपको। उसके बाद दूसरा मेथड है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक्चुअली वेबसाइट टाइप है। तो आप गूगल में जाइएगा और ब्लॉगर सर्च कीजिएगा, BLOGGER, ब्लॉगर। ब्लॉगर सब सर्च कीजिएगा तो क्रिएट अकाउंट आएगा, क्रिएट कीजिएगा अकाउंट और जो आर्टिकल उर्टिकल अगर कुछ भी आप लिखना चाहते हैं उसमें लिखिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, आपको अर्निंग होगी ब्लॉग के थ्रू। तीसरा है एफिलिएट। एफिलिएट क्या है? एफिलिएट एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप शेयर करते हैं, अगर कोई ख़रीदता है आपका शेयर किए हुए से तो कंपनी आपको कुछ पैसा देती है। जैसे कि हम फ्लिपकार्ट बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट अभी तो बंद है, एफिलिएट उसका अभी नहीं चल रहा है। अमेजोन का मगर चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब का एफिलिएट आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद चौथा नंबर है मीशो और शॉप 101। मीशो एक्चुअली क्या है? मीशो ऐसा चीज़ है जो कि मतलब आप जो है किसी उस पर प्रोडक्ट रखा रहेगा, आप उसका प्रोडक्ट को सेल कीजिए, मीन्स आप थर्ड पार्टी के तरह काम कीजिएगा। आप किसी से ऑर्डर लेंगे कि आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपको सामान ला के देंगे, और आप जो है मीशो में ऑर्डर कीजिएगा कि ये सामान चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कीजिएगा जितना आपको चाहिए होगा, तो वो फिर उसको जाके आपको कुछ नहीं करना है, मीशो वाला ही जाकर उस बंदे को दे देगा और मीशो का कोई भी टैग उसमें नहीं रहेगा दिया हुआ कि ये मीशो से आया है। ठीक है, मीशो शॉप 01 ये सब इस टाइप का है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर में इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस क्या है? जैसे कोटक महिंद्रा ये सब क्या है कि इंश्योरेंस करवाती है स्टूडेंट से। आप जाइएगा उसके कंपनी में, आपको पहले वो सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा, उसके बाद कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए तो वो आपको इंश्योरेंस करने देगा। उसका भी कुछ कुछ पॉलिसी होता है इंश्योरेंस का, उसके थ्रू आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। सातवां है होम ट्यूशन। होम ट्यूशन क्या है? आप घर पर जाकर किसी को पढ़ा सकते हैं, घर पर गए और पढ़ा रहे हैं, ये हुआ होम ट्यूशन। होम ट्यूशन आप बहुत सारा वेबसाइट आती है गूगल पर, आप देखिएगा होम ट्यूशन के बारे में, तो उस पर जाइए और ऑनलाइन आप अपना नाम दीजिए कि हम ट्यूशन करना चाहे, आपसे कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद आप अपना आसानी से उस पर अकाउंट बना सकते हैं और ऑनलाइन ही कर सकते हैं और उसको आप स्टूडेंट को ऑफलाइन जाकर पढ़ाइएगा। तो इस वीडियो में हमने 7 ऐसे तरीके देखे, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और तरीका देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।